हे फ्रेंड, आज हम बनाएंगे इंस्टेंट ढोकला रेसिपी, वो भी बिना इनो यूज किए और बिना प्रेशर कुकर के। बहुत ही आसान है बनाना। हे फ्रेंड, मैं हूं रूपाली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आर क्राउन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल आर क्राउन एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं आपके साथ और नई इंस्टेंट रेसिपी शेयर करूँ और आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो फिर आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप बेसन। अच्छे क्वालिटी का बेसन लेना है, जिससे कि हमारा ढोकला अच्छा खमंग और टेस्टी लगे। साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप शुगर। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि सही रेसिपी पता चले। साथ ही स्वादानुसार नमक और 1.5 चम्मच साइट्रिक एसिड यानी कि नींबू सत्व इसमें हम डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी गोले ना हो, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसका घोल बनाने के लिए हमें कम से कम 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा और 1 कप से थोड़ा कम पानी लगेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हमने शक्कर और नींबू सत्व डाला है, इसलिए इसको थोड़ा सा डिजॉल्व होने में वक्त लगेगा। इस तरह से कंसिस्टेंसी बनानी है इसकी, और वो सब इसमें अच्छे से घुल जाए, इसलिए हम इसको 5 मिनट के लिए ऐसा ही रखेंगे ताकि हमने जो चीनी डाली हो अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। तब तक मैं बता देती हूँ कि हम बिना प्रेशर कुकर के इसको कैसे बनाएंगे। इस तरह से कढ़ाई में एक डिश को रखना है, जिसमें कि अच्छे से हम उसको भाप सके, उसी साइज़ की प्लेट ले, फिर उसमें अच्छे से ऑयल लगा लेना है ताकि हम जब इसमें ढोकले का वो बैटर डालें तो वो बिल्कुल भी चिपके ना नीचे। और उसको अच्छे से कोने कोने तक अप्लाई करना है, अच्छे से लगा लेना है ताकि हमारा ढोकला आसानी से निकले। इस तरह से और अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल के उसको गैस पे रख देते हैं। तब तक आगे की प्रोसेस करते हैं। अब 5 मिनट हो गए तो हम इसमें ऐड करेंगे सोडा। हमेशा ध्यान रखें किसी भी अच्छे कंपनी का सोडा ही यूज़ करें, नहीं तो ये अच्छे से सॉफ्ट और स्पॉन्जी नहीं बनेगा। अगर अच्छे क्वालिटी का सोडा नहीं है तो आपको 1.5 टेबल स्पून सोडा उसमें ऐड करना चाहिए। और उसको ये प्रोसेस फटाफट से करनी है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ज़्यादा नहीं फेंटना है इसको, बस थोड़ा सा ये पूरी तरह से इसमें सोडा मिक्स हो जाए इतना ही इसको फेंटना है। अब ये देखिए कितना फूल गया है, कितना अच्छे से ऊपर आ गया है। अब हम इसको प्लेट में डाल देते हैं। इसको हाथों से प्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको थोड़ा सा टैप कर देंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। इस तरह से इसको हल्के से टैप करना है, ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तब तक हमारा पानी अच्छे से पानी में उबाल आ गया होगा कढ़ाई में, तो अब हम इसको भापने के लिए रख देते हैं। इस तरह से हमने इसको कढ़ाई में रख दिया है और इसको हम 20 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। इसको अच्छे से पैक, किसी प्रकार का अच्छे से ढक्कन रख देना है कि इसमें से जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। और पहले 5 मिनट इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे और बाद में 15 मिनट इसको हाई फ्लेम पे स्टीम करना है। और ये देखिए 20 मिनट के बाद कितने अच्छे से हो गया, ये देखिए ये साइड से निकल रहा है, इसका मतलब परफेक्टली हो गया है। फिर भी अगर आपको चेक करना है तो इसमें नाइफ़ या फिर टूथपिक डाल के आप चेक कर सकते हैं। अब हम उसको साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तब तक हम बनाएंगे उसके लिए थोड़ा सा तड़का के लिए मसाला। तो इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, और अगर आपको हरी मिर्च पसंद है ढोकला के साथ तो इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि इसका तीखापन कम हो जाए। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सरसों 1/2 टेबल स्पून,
उसको अच्छे से फ्राई होने देना है। बाद में ही इसमें करी लीव्स डालने हैं, इसको भी अच्छे से फ्राई होने देते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप पानी और साथ ही में हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून शक्कर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। तो ये हमारा ढोकला तब तक ठंडा हो गया है, तो इसको हम अच्छे से कट कर लेते हैं। ये देखिए कितना स्पॉन्जी हो गया है, कट करते समय कैसे एकदम ऐसे सॉफ्ट सा हो रहा फील आ रहा है कट करते समय। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने अभी बनाया है शक्कर का पानी, इसको इस तरह से अच्छे से स्प्रेड कर देना है सारी साइड्स में ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट आए और भी। और ये देखिए हमारा इंस्टेंट ढोकला रेडी है, बिना इनो यूज़ किए और बिना प्रेशर कुकर के बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो आज हमने बनाया इंस्टेंट ढोकला। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल आर क्राउन। तो फिर मिलेंगे इस शुक्रवार, तब तक के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू माई फ्रेंड।